Let's start with Heisenberg uncertainty principle. Now, what is there in this principle? Firstly, Heisenberg uncertainty principle, it takes into account the wave character of the electrons. We have studied that the electrons or the moving things, they can show both the character, the wave character and the particle character. But here, this principle, it is basically based on the wave character of the electrons. Okay, and according to this principle, what we are going to find is uncertainty in position. That means we don't know or we are not certain about the position of the electron. हमें नहीं पता है कि electron की क्या position है, वो कहाँ पर present है. Okay, that is uncertainty. जब आप सर्टेन नहीं हो, जब आपको नहीं पता है, राइट? सो द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. यू हैव स्टडीड दिस थिंग इन फिजिक्स दैट मोमेंटम इज इक्वल टू एम इनटू वी, मास इनटू वेलोसिटी. Since we are discussing about some substance, some object, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कोई भी और ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हम उसका मास और वेलोसिटी दोनों काउंट करेंगे. Now this product is a constant that is equal to h upon 4 pi. अब क्या कहते हैं कि अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजिशन देख रहे हो और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट लेते हो, दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 pi. Now, according to Heisenberg uncertainty principle, it is not, or you can say it is impossible to measure simultaneously. इकट्ठे अगर मैं उसकी position भी देखना चाहती हूँ और उसकी momentum भी देखना चाहती हूँ, तो that is not possible. क्यों? क्योंकि अगर वो कहते हैं कि आप position ढूंढने जाओगे, if you want to find the position of the, अगर ये चीज delta x बहुत ज्यादा small है, if delta x is small, delta x small होने का मतलब क्या है कि uncertainty बहुत कम है, यानी कि हम certain ज्यादा है, uncertainty कम है, that means we are certain more, ठीक है? तो अगर ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा. Okay, so that means if we want to locate the position, उसकी momentum lost हो जाएगी, और अगर आप momentum locate करना चाहोगे तो उसकी position lost हो जाएगी. Okay, so this is about the uncertainty principle, कि हम एक ही point पे दोनों की position या दोनों की momentum जो है वो find नहीं कर सकते. Okay, either we should go for position or either we should go for the momentum, right? अब अगर सपोज इफ डेल्टा एक्स इज जीरो, दैट मींस कि अगर आप पोजीशन को पूरी सर्टेनिटी के साथ लोकेट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहां पर है, अगर ये फैक्टर जीरो है, ठीक है, अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 1/0 विल बी इनफिनिटी. तो दैट मींस कि जो डेल्टा पी है, जो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, दैट विल बी इनफाइनाइट. यानी कि आप नहीं ढूंढ सकते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी है और वो किस स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, सो दिस इज अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एंड वन मोर थिंग, दैट इज एप्लीकेबल टू द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसने पार्टिकल कैरेक्टर को काउंट नहीं किया है, क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, हम उनकी वेलोसिटी और उनकी पोजीशन बता सकते हैं. अगर कोई एथलीट दौड़ रहा है तो वी कैन बेसिकली मेजर इट स्पीड एंड मेजर इट पोजीशन, कि वो इस पॉइंट पे यहाँ पर है,
और वो इस पॉइंट पे इतनी स्पीड से मूव कर रहा है. बट फॉर द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स द इलेक्ट्रॉन्स वी कांट लोकेट देयर एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम. सो दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल इज फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत ज्यादा छोटे हैं और जिनके लिए हम उनकी पोजिशन और उनकी मोमेंटम जो है वो इजिली मेजर नहीं कर सकते. So this is the expression for the Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty in position, uncertainty in momentum, that is a constant quantity greater than equal to h upon 4 pi. Okay, now based on this principle we will be doing some numericals. So write down one numerical. An electron has speed of 40 meter per second. आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, दैट इज एक्यूरेट. वो कह रहे हैं कि अब जो स्पीड जो आपको दी गई है वो कितने परसेंट एक्यूरेट है. दैट इज 99.99% दैट इज एक्यूरेट. मतलब अभी भी कितने परसेंट की अनसर्टेनिटी है हमें वो हम निकाल लेंगे. व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग इट्स पोजीशन? यू हैव टू फाइंड डेल्टा एक्स. अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग इट्स पोजीशन वेयर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेटा ये आपने लर्न कर लेना है अगर आपको नहीं भी गिवन है कहीं पे. ओके, दैट इज द स्टैंडर्ड और द कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी. तो आपने इसको लर्न कर लेना है. अगर नहीं भी गिवन है देन यू आर सपोज टू राइट इट ऑन योर ओन. दैट इज 9.1 × 10⁻³¹ kg. अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्पीड आपको दी गई है डेट इज एक्यूरेट अप टू 99.99%. यानी कि स्टिल यहाँ से अगर मैं 100 में से निकाल लूँ तो यहाँ पर अभी भी कुछ अनसर्टेनिटी इज प्रेजेंट हेयर. ओके, एंड वी विल बी फाइंडिंग दैट अनसर्टेनिटी. तो 100 में से इसको माइनस कर देते हैं दैट इज 99.99. तो पहले इसकी अनसर्टेनिटी निकाल लो बेटा कितनी आई है. हमें सर्टेनिटी दी हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इतना जो है वो एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं. ओके, बट वी वॉन्ट टू फाइंड द अनसर्टेनिटी कि मैं 40 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग कितना अनसर्टेन हुआ. दैट विल बी 0.01 डिवाइडेड बाय 100. किसके विद रिस्पेक्ट टू हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं? इस 40 मीटर पर सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो यहां पर मैं इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि ये 40 मीटर पर सेकेंड की हम क्या बता रहे हैं? अनसर्टेनिटी बता रहे हैं. ओके, सो सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर. So that is going to give you 4 × 10⁻³ meter per second. Okay, now you are given with delta V. Formula ke according. Okay, so we have to find delta X. Hamein M bhi given hai, delta V bhi given hai. Right, so delta x it will be equal to h upon 4 pi into 1 over m into delta v. Okay, where pi is 3.17 bhi aap le sakte ho, 1/4, theek hai, 3.14 bhi aap le sakte ho. And h is the Planck's constant, 6.626 × 10⁻³¹. तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो आपने लर्न कर लेनी है. ओके, यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस एच, दिस वैल्यू ऑफ पाई, दिस वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं जो आपको लर्न कर लेनी है. नाउ कैलकुलेट बेटा. यस, फाइंड आउट.
यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करो और मुझे आंसर बताओ. हाँ जी बेटा, सॉल्व इट क्विकली एंड गिव मी द आंसर. So the answer is you can write down 1.45 into 10 raised to power minus 2 meter. Okay, so that is the correct answer for this numerical. Now write down the next one. A microscope using suitable photons. Write down the next numerical. A microscope using suitable photons is employed to locate an electron within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurements of its velocity? You have to find the uncertainty in the velocity. Yes, solve for it. Firstly, give me the conversion for angstrom. 1 angstrom is how many meters? Give me the conversion for the angstrom. Yes, Aditi. 10 raised to power minus 10 meter. Very good. So 1 angstrom is basically 10 raised to power minus 10 meters. Okay. So you will be using this conversion here. Now uncertainty in distance is given to you. Delta x is given to you. So we will be substituting that value here. That is 0.1 into 10 raised to power minus 10. That is in meter. Okay. Use the Heisenberg uncertainty principle and find out delta V quickly. Solve it, beta, and give me the answer. Aditi, you can lower your hand, beta. Solve it and give me the answer.
द आंसर इज 5.79 इनटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकंड. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ. नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन और डी ब्रॉगली कंसेप्ट. Next is de Broglie. Which we also called as dual nature of matter. So like we discussed about the Heisenberg uncertainty principle, in the similar way, this is actually a similar principle based on the dual. Dual means two character. ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव एंड द पार्टिकल कैरेक्टर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली का क्या कंसेप्ट था. उसने कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल, कोई भी ऐसी चीज जो मूव कर रही है, इट इज एसोसिएटेड विद बोथ द कैरेक्टर. वो अपना वेव कैरेक्टर भी शो करती है और वो अपना पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करती है. ओके, वेयर हाइजेनबर्ग इट टेक्स ओनली द वेव कैरेक्टर, राइट. सो एनी मूविंग पार्टिकल, और यू कैन से ऑल मूविंग पार्टिकल्स, कहते जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं. पार्टिकल का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रोस्कोपिक थिंग्स. ओके, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं मूव कर रही हूँ, ऑल मूविंग पार्टिकल्स दे हैव वेव्स एसोसिएटेड विद देम. अब इनके कहने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर आप मूविंग पार्टिकल ले रहे हो, कोई भी मैक्रोस्कोपिक चीज ले रहे हो, तो जो उसका वेव कैरेक्टर है, जो माइक्रोस्कोपिक थिंग है, ठीक है, जो उसका वेव करेक्टर है, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद इट. बट इट डिपेंड्स ऑन दैट पार्टिकल कि क्या उसका वेव करेक्टर ज्यादा शो होगा या पार्टिकल करेक्टर ज्यादा शो होगा. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, तो मेरा पार्टिकल करेक्टर ज्यादा शो होता है. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका वेव करेक्टर ज्यादा शो होता है, क्योंकि जो वेव्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स. तो माइक्रोस्कोपिक चीजें जो है वो जनरली दे आर एसोसिएटेड विद द वेव कैरेक्टर, एंड द मैक्रोस्कोपिक थिंग्स लाइक आई एम, ठीक है, बॉल हो गया, बैट हो गया, कोई पर्सन है, राइट. सो दीस ऑल थिंग्स दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल कैरेक्टर. अब हमारे पास कोई पार्टिकल्स या वेव कैरेक्टर थोड़ी ना एसोसिएटेड है, हम चल रहे हैं, ये थोड़ी ना कि हमारे साथ कोई वेव्स जो है वो निकल रही हैं, नो. ओके, तो बीइंग अ पार्टिकल और पार्टिकल करेक्टर विल ओनली बी शोन, एंड फॉर द इलेक्ट्रॉन, सिंस दे आर माइक्रोस्कोपिक, सो देयर वेव करेक्टर विल ओनली बी शोन. ठीक है जी. बट डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि ये दोनों चीजें जो हैं दे आर एसोसिएटेड. अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसका पार्टिकल करेक्टर भी एक्सप्रेस होगा और उसका वेव करेक्टर भी एक्सप्रेस होगा. Now this is according to which equation? So we have studied one relation of E is equal to h nu, where we talk about the quantization of energy of photon. जहाँ पर हमने ये कहा था कि जो photon है उसकी energy quantized है, E is equal to h nu. Or I can write nu is equal to c by lambda. पढ़ के आए हुए हैं हम ये सारी चीजें. ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या कहता है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. अब दोनों साइड जो है वो ई सेम हो गए, तो वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड्स, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट. Now from this we will be calculating the value of lambda. Right? C
सी यहाँ पर अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं देन इट विल बी गिविंग अस सी, बट अगर मैं किसी और चीज की बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, समथिंग एल्स मीन्स इफ आई टॉकिंग अबाउट सम बॉल, बॉल की अपनी वेलोसिटी होगी, मेरी अपनी वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी होगी, ओके? सो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट, सी जो है यहाँ पर मैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज कर रही हूँ, बट इफ आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस विद द अनदर क्वांटिटी किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी कर देंगे, ओके? हेयर वी इज वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, c is the speed of light, lambda is the wavelength. So ye wavelength hai that is associated with the particle. So this is actually the de Broglie relationship, lambda is equal to h upon mv. Now the thing I was actually telling you, lambda is equal to h upon m into v. M into v is momentum. M into V is momentum. Momentum हम किसकी बताते हैं जिसका कोई specific mass होता है and it is moving with some of the specific velocity. तो यानी कि ये वाले जो quantity है that is actually linked with the macroscopic thing. जो बड़ी चीजें हैं जिनका कुछ ना कुछ mass है, जिनकी कुछ ना कुछ velocity है. Lambda is the wavelength. Wavelength is associated with the microscopic thing. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन. तो अब अगर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, ठीक है? अब जो आपने डेफिनेशन बोली थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव्स एसोसिएटेड विद देम, ठीक है? वेव्स हैं बट हमें क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि जब उसका मैक्रोस्कोपिक नेचर ज्यादा शो होता है तो जो उसका माइक्रोस्कोपिक नेचर है वो कम शो होता है. Because they both are inversely related to each other. अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा. Okay? So that's why we only see one of the particle, but actually the moving particles. और ये concept जो है वो सिर्फ moving particles के लिए है, ठीक है? जो चीजें move कर रहे हैं, because in the expression you can see we are having a velocity. Okay? So that is actually for the moving particle. अगर आप rest पे हो so then you will be showing the one character either microscopic or either macroscopic, theek hai? But if you are moving then both characters of that particle character and the wave character they will be exhibited depending on the fact which is more exhibited and which is less exhibited, okay? So yahi se agar maine is expression ko mold karna hai and if we want to find the relationship between the lambda and the energy, ठीक है, तो हम वो भी एक एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं. सो यू नो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? अगर मैं यहाँ पर सिंपली काइनेटिक एनर्जी को ई रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ओके, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस ई, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई. अब मैं दोनों तरफ जो है वो m से मल्टीप्लाई कर रही हूँ टू मेक इट एम वी स्क्वायर, ठीक है? सो दैट विल बी दिस एक्सप्रेशन. यहां से हम निकाल लेंगे एम वी की वैल्यू, ओके? वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एम ई, दैट इज टू एम ई का स्क्वायर रूट 1/2. नाउ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, सो आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हेयर, 2ME का स्क्वायर. सो दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट विल बी गिविंग यू द वेवलेंथ दैट इज लिंक्ड विद सम ऑफ द एनर्जी, ओके? सो दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू लर्न आल्सो. नाउ लेट्स डू वन न्यूमेरिकल ऑफ दिस आल्सो. सो राइट डाउन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ 100 ग्राम पार्टिकल. Find the wavelength of 100 gram particle. Find the wavelength of 100 gram particle moving with a velocity of 100 meter per second. So you are given with 100 gram mass
and that is moving with 100 meter per second velocity or speed. ठीक है, convert the mass into kgs. दूसरा तो standard में ही given है आपको, तो आपने grams को kgs में convert कर लेना है and solve. Lambda find करना है. Lambda is equal to h upon m into v. Mass is given to you, velocity is given to you, h is constant, 6.626 into 10 h to minus 34 kg meter per second, kg meter square per second. So solve it and give me the answer, beta. If we substitute the values here, 6.626 into 10 h to power minus 34 kg meter square per second. Over m कितना आएगा बेटा, 100 grams को जब हम convert करेंगे in kg, you will be getting how many kgs? Answer in the chat box. So Naman has given the answer 6.626 into 10 raised to power minus 35. Naman, it's minus 35 बेटा, ठीक है जी? That will be 0.1 into 100. Okay. So write down one more question. So your correct answer is 6.626 into 10 raised to the minus 35 meter. Since they are asking about the wavelength and wavelength is the distance traveled. So distance ko hum usually kisme express karte hain? Meters. Okay. So lambda ke units hain meters. Now write down one more question. What should be the ratios of velocities of methane and oxygen molecule? What should be the ratios of velocities? Aapne ratio nikalni hai velocities ki. Ratio of velocities of methane and carbon dioxide, not carbon dioxide, it's oxygen, so that they are associated with the de Broglie waves of equal wavelength. They both are having equal wavelength. Solve it. This is your homework. Aapne velocities ki ratio nikalni hai agar unki wavelengths jo hai wo equal hai, right?